मैं दुनिया की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं। प्रीतम अक्षर अतीत ने इस खिलवत की वाणी में दर्शाया है कि जो मेरे अंदर संसार की मैं थी वो तारतम वाणी के प्रकाश में राज्य की कृपा की छत्र छाया में समाप्त हो गई। दो मैं हैं, एक तो संसार की मैं जो जीव के द्वारा ग्रहण की जाती है, लेकिन एक मैं है हक की मैं जो आत्मा से जुड़ी होती है। जीव ने माया का तन धारण किया है और जीव के साथ अंतःकरण जुड़ा हुआ है। अंतःकरण में क्या है? मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करती है, मन के द्वारा सारे संसार का क्रियाकलाप चलता है, अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। जैसे इंद्रियों का राजा क्या कहलाता है? मन कहलाता है। मन चित बुद्धि अहंकार का स्वामी कौन है? जीव। जीव के ऊपर बैठकर आत्मा माया का खेल देख रही है। परमधाम की परात्म है वो राज्य का तन है। आत्मा क्या है? परात्म का प्रतिबिंब है। जीव क्या है? नारायण की चेतना का प्रतिभास है। जीव अपने मूल स्वरूप में स्थित होता है तो क्या देखता है कि जैसे नारायण है मैं भी उन्हीं का अंग स्वरूप हूं और नारायण में ओतप्रोत कर लेता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तो क्या देखती है कि मेरा नख से सिख तक श्रृंगार परात्म जैसा है। जब हम तारतम वाणी का मार्फत का ज्ञान ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? तारतम वाणी का ज्ञान यही बताता है कि तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। जो परात्म का तन है और राज्य का तन है दोनों एक ही तन है। तुम मेरे तन हो, राज्य कह रहे हैं कि परम धाम की आत्मा हो, तुम मेरे तन हो। हम जो सुंदर साथ हैं दोनों को लेकर के बैठे हैं। हमारे इस पंचभौतिक तन में माया का जीव भी है, बैठा है जो नारायण से प्रकट हुआ है, और परम धाम की आत्मा भी है जो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है। दोनों की अपनी अपनी मय होती है, लेकिन दोनों की मय में अंतर होता है। संसार का कोई भी कार्य अहंकार के बिना नहीं चलता। जैसे हम पानी भी पीते हैं तो किस भाव से पीते हैं? मैं हूं तभी तो पानी पिएंगे। जब आप स्वयं को भूल जाएंगे तो पानी भी नहीं पी सकते। सृष्टि का सारा कार्यभार किससे चल रहा है? अहंकार के द्वारा। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। एक बात बताइए, गाय जब बछड़े को या बच्चिया को जन्म देती है तो उसको इतना लगाव होता है कि पहले दिन तो किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने पास नहीं आने देती, बछड़े को छूने भी नहीं देती। उसका जन्मजात संस्कार है। हर प्राणी मुंह से बंधा हुआ है। गाय को पता है कि मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाना है। मनुष्य को भी पता होता है कि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। माता अलग अपना कर्तव्य पूरा करती है, पिता अलग कर्तव्य पूरा करते हैं। उसी तरह से पुत्र पुत्री भी अपना माता पिता के प्रति जो कर्तव्य पूरा करते हैं। सभी किसी न किसी मोह के बंधन में बंधे हैं। सबके साथ अहंकार भी जुड़ा हुआ है, स्वार्थ भी जुड़ा है। यह संसार की प्रक्रिया है। जीव के साथ ये जो शरीर है, जीव के साथ ये संसार है, अंतःकरण है, तो परिणाम क्या होता है? इसको लेकर के वो मैं पालता है। जैसे किसी का शरीर बहुत सुंदर है तो क्या सोचता रहेगा? मैं बहुत सुंदर हूँ। किसी का शरीर बहुत कुरूप होगा, लोला लंगड़ा होगा, काला कलौटा होगा, सिर के बाल सफ़ेद हो गए होंगे, तो दूसरे उसको देखकर कहते हैं अरे वह तो ऐसा है। ये अहंकार कहाँ से पैदा हो रहा है? शरीर से पैदा हो रहा है। जनक की सभा में अष्टावक्र जी प्रवेश करते हैं। उनके शरीर में 8 अंगों से टेढ़ापन था। उनको देखकर सब हंसने लगते हैं, सारे विद्वान। तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगते हैं, सब लोग आश्चर्य में पड़ते हैं
कि देखिए इनका रूप है आठ अंगों से टेढ़ा, हम इन पर हंस रहे हैं तो ये भी हमारे ऊपर हंस रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम लोग मेरे शरीर को देख रहे हो और मैं तुम्हारी मूर्खता को देख रहा हूँ, कि तुम कहलाने के लिए तो जनक जैसे ज्ञानी की सभा में बैठे हो लेकिन तुम आत्मदर्शी नहीं हो, तुम शरीरदर्शी हो। यह शरीर जो मल मूत्र से बंधा हुआ है, इसके आठ अंगों के टेढ़ापन को देखकर तुम्हें हंसी आ रही है तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आ रही है, दोनों हंस रहे हैं। किसी की बुद्धि प्रबल है, बहुत से ग्रंथों को पढ़ लिया होता है, तो उसके मन में क्या अहंकार होता है कि मेरे जैसा तो संसार में कोई विद्वान नहीं। कोई अपने पुरुषार्थ से धन कमा लेता है, बहुत कोठी बंगले बना लेता है, तो उसको भी अहंकार होता है मेरे जैसा तो कोई नहीं। कोई किसी कला में पारंगत होता है, कोई चित्रकला में, कोई गायन में, कोई वादन में, कोई नृत्य में, जितनी कलाओं में मनुष्य पारंगत होता है वो सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं। कोई युद्ध की कला में प्रवीण होता है, यही तो अहंकार है और इसी अहंकार से संसार चल रहा है। और इस अहंकार को छोड़ने के बाद क्या होगा? बिना अहंकार के संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जैसे आपका नाम मोहन है, आप भूल जाएंगे कि मैं मोहन हूं, तब तो न पानी पिएंगे, न हंसेंगे, न बोलेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। संसार में रहने के लिए अहंकार आवश्यक है, लेकिन ऐसा अहंकार हो जो ज्ञान के अनुकूल हो। देखिए तीन तरह का अहंकार होता है। एक अहंकार तामसिक अहंकार होता है, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये तामसिक अहंकार। एक है राजस अहंकार। राजस अहंकार क्या है कि संसार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बड़े योगी यति हैं, बहुत धनवान हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, यह है राजस अहंकार। सात्विक अहंकार क्या है? संसार में बड़े बड़े ज्ञानी हैं और मैं तो ज्ञान के समुद्र में एक बूंद हूँ, मैं हूँ, यह भी तो अहंकार हो गया। इस अहंकार को जड़ से मिटाना होगा, सात्विक को, राजस को, तामस को, क्योंकि सत्य रजतम का ब्रह्मांड है, कोई भी इससे परे नहीं हो सकता। इसलिए वाणी कह रही है ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। यदि कोई कहता है कि मैंने अपने सारे अहंकार को छोड़ दिया है तो यह भी अहंकार है कि मैंने अहंकार को छोड़ दिया है। जो अहंकार आपसे छूट जाएगा तो मुख से तो बोला ही नहीं जाएगा। और कोई भी अहंकार में अहंकार का प्रत्याग केवल समाधि में ही कर सकता है, समाधि से हटने के बाद नहीं। हाँ, समाधि टूट जाती है यदि वह ब्राह्मी अवस्था में रहता है, परब्रह्म के आनंद में रहता है, उसकी दृष्टि शरीर और संसार से परे रहती है, तभी अहंकार से परे रहेगा। नहीं तो उसको अपनी स्मृति तो रहेगी कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ का हूँ। मैं जैसे कोई व्यक्ति ध्यान से उठा, ध्यान में आनंद में डूबा रहा, तो उसके बाद भी तो उसके मन में बना रहेगा ये भाव कि मैं ध्यान कर रहा था। यहाँ जो राजी बात कर रहे हैं, हक की मैं को लेना, मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया। मैं दुनी की जो मैं है, संसार की मैं कैसे मरेगी? हक की मैं से। हक की मैं क्या है? जैसे जब आत्मभाव प्रबल होता है तो जीव भाव समाप्त होता है, जब जीव भाव प्रबल होता है तो शरीर और संसार भाव समाप्त हो जाता है। जिससे संसार भाव क्या है कि मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा कोई ऊंचे पद पर नहीं है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई कलाकार नहीं है, ये क्या है? संसार का भाव है। जीव भाव क्या है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चेतन हूँ, मैं अमृत पुत्र हूँ, मैं नारायण की चेतना का प्रतिभास हूँ, यह क्या है? जीव का। लेकिन आत्मभाव क्या है? आत्मभाव का तात्पर्य है कि मैं प्रियतम की अर्धांगिनी हूँ, मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा जीव भाव से कोई लेना देना नहीं है। जब शरीर भाव जीव भाव दोनों का परित्याग कर देते हैं तो हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार करके राजी के प्रेम में डूबती है। मैं आपको जनक जी के घटनाक्रम को बता रहा था। जब राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी प्रवेश करते हैं तो उसमें
एक विशेष विषय पर मंथन चल रहा था। जनक जी ने कहा था कि यह सच है कि वह सच है, कोई समझ नहीं पाता था कि ऐसा जनक क्यों कह रहे हैं। घटनाक्रम यह था कि जनक एक बार सो रहे थे अपने शयन कक्ष में, अचानक वे स्वप्न देखते हैं कि भयानक अकाल पड़ा है और उस अकाल में मैंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं भी कई दिन का भूखा हूँ। तो राजा जनक भिक्षा मांग करके भोजन बना रहे होते हैं, उसी समय दो बैल लड़ते हुए आते हैं और उनके चूल्हे को तोड़ फोड़ देते हैं। उसी समय राजा की आँख खुल जाती है, सोते हैं, देखते हैं कि मैं तो सोने के पलंग पर लेटा हुआ हूँ, लेकिन मैं स्वप्न में देख रहा था कि मैं कंगाल बन गया हूँ, जो भिक्षा मांग करके अन्न लाया था, खिचड़ी पका रहा था, उसको बैलों ने गिरा दिया और मैं भूख के लिए के तड़प रहा हूँ। सोचते हैं कि यह सच मानूँ कि वह सच मानूँ, प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि मैं राजा हूँ, राजा के पलंग पर लेटा हुआ हूँ, लेकिन स्वप्न में दिख रहा है कि मैं कंगाल हो गया हूँ और जो मैं खिचड़ी बना रहा था वो खिचड़ी ले जाते हैं। अब राजा जनक सोचते हैं कि यदि मैं अपने मन से सोचता हूँ कि मैं राजा जनक हूँ तो ये तो पाप होगा, क्योंकि मैंने तो मन ही दे दिया है। सुंदर साहब जी, आप धन कमाते हैं, आप सेवा करते हैं, लेकिन जो सच्ची सेवा है अपना दिल देने की, वह सेवा कोई नहीं करता। जो अपना दिल राज्य को दे देगा वो इतने ही बैठे घर जागे धाम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। आप 1,00,000 महीने में कमाते हैं, 1,000, 2,000, 10,000 दे दिए तो कौन सी बड़ी बात है। आपने अपना दिल तो नहीं दे दिया, आपने अपना दिल किसके लिए रखा है? संसार के लिए रखा है, संसार के रिश्तों के लिए दे रखा है। आपने अपने दिल में संगे संबंधियों की फौज बना रखी है। मैं ये नहीं कहता कि संगे संबंधियों को छोड़ दीजिए, लेकिन यह समझिए आपकी आत्मा का पहला प्रीतम कौन है? केवल राज्य। संबंध मूल को मैं तो पावपल छोड़ी होने चाहे। जब आपको लगेगा कि ये जो संबंध बने हैं, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, ये तो इस संसार का है और सभी रिश्ते एक एक दिन अलग होते जाएंगे, सभी रिश्ते हमें छोड़कर चले जाएंगे, केवल राज्य ही हैं जो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, तो अखंड का मूल संबंध का जब पता चलेगा तो हम किससे प्रेम करेंगे? केवल राज्य से करेंगे। यह संसार क्या है? स्वप्नवत है, स्वप्न में सब दिख रहा है, स्वप्न के टूटने के बाद कुछ नहीं बचेगा। जैसे घोर समुद्र में जब दो लकड़ियां, कुछ लकड़ियां बहकर जा रही हो और कुछ समय के लिए लहरों के बीच में मिल जाती है, उसी तरह से माया के इस भवसागर में हमारा संगे संबंधियों से मिलन होता है। कोई जीव पत्नी के रूप में मिलता है, कोई पति के रूप में मिलता है, कोई माता पिता के रूप में मिलता है, और पुनः जैसे पानी की लहरें, समुद्र की लहरें लकड़ियों को अलग कर देती हैं, उसी तरह से काल का चक्र हर जीव को दूसरे जीव से अलग कर देता है। जैसे आज जो वृद्ध हैं सभा मंडप में बैठे हुए हैं, वे कभी बच्चे थे, उनके माता पिता हुआ करते थे, दादा दादी हुआ करते थे। दादा दादी भी परमधाम चले गए, दुनिया से चले गए, उन्होंने कहीं जन्म ले लिया होगा यदि मुक्ति नहीं मिली होगी तो। माता पिता भी चले गए, जो कल का बालक था आज दादा बन गया है और वह भी कुछ समय के बाद दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। जो आज 10-12 साल के बच्चे हैं, कुछ साल के पश्चात तो वो युवा बनेंगे, उसके बाद उनकी भी वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु उनको भी छुड़ा ले जाएगी, सब एक एक करके भी छूटते जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन जब तक दिख रहा होता है तब तक लगता है कि यही तो सच है। राज्य को किसने देखा है? पता नहीं राज्य है कि नहीं है, ये मन में संशय बना रहता है। तारतम वाणी का प्रकाश यही कहता है कि जो स्वप्न के समान दिख रहा है ये वास्तविक सच नहीं है। और जिन्होंने तारतम वाणी से अक्षरातीत की पहचान कर ली होती है, वे अपना हृदय राज्य को दे दिए होते हैं। अष्टावक्र ने केवल मन मांगा, कुछ नहीं मांगा। राजा जनक के हीरे मोतियों का खजाना नहीं चाहिए था, केवल मन मांग करके चल देते हैं।
जनक भी निष्ठा मानते उन्होंने अपना मन दे दिया। परिणाम क्या हुआ, वही 3 दिन 3 रात 72 घंटे हो जाते हैं बैठे हुए। आप चितवनी करते हैं, आपकी चितवनी क्यों नहीं लगती, जानते हैं इसका कारण क्या है, संसार की मैं ही आपकी चितवनी को लगने नहीं देती। आप जब चितवनी में बैठते हैं तो आपका मन सोचता है कि मैंने उससे लिया है इतना, उसको इतना देना है, उसने मुझको ऐसा कहा था, मुझे उसका उत्तर देना है। आप किस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, मैं खुद ही के संसार में, मैं हूं और मेरा है। सच क्या है, ना आप है ना आपका कुछ है, आप कौन है, आप स्वयं को तो नहीं जानते, जीव भाव पर भी आप नहीं जानते। यदि आपका नाम मोहन है तो मोहन तो शरीर का नाम है, आपने सारा अहंकार किसको लेकर रखा है, मोहन को ही लेकर के रखा है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बड़े पद पर हो गए, कलेक्टर बन गए, तो आप क्या सोचते रहते हैं 24 घंटा कि अरे मैं तो कलेक्टर हूँ, इस जिले का मैं कलेक्टर हूँ, मेरे पास ये पावर है। कलेक्टर कौन बना, जीव ने अपनी बुद्धि से योग्यता से एक पद प्राप्त कर लिया जिस पद का नाम है कलेक्टर। कुछ समय के बाद कलेक्टर का पद भी चला जाएगा। इस सृष्टि में कोई राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, उसका पद भी कितने समय के लिए होता है। संसार की हर वस्तु नश्वर है और इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जिन्होंने इस सत्य को जान लिया कि मेरी जो चेतना है वो नारायण की चेतना का प्रतिभास है, तो वो क्या करेगा, जीव भाव में स्थित होकर, अपने जब स्वरूप में स्थित होगा, कैवल्य की अवस्था में स्थित होगा, तो मन चित्त बुद्धि अहंकार शरीर और संसार से इंद्रियों से होने वाली उपलब्धि को नकार देगा। इसको कहते हैं दुनी की मय को समाप्त कर देना। अब जिसके अंदर आत्मभाव प्रबल होगा, हो जाएगा कि मैं अक्षरातीत की प्रियात्मा हूँ, वो जीव भाव को भी छोड़ देगा। न तो वो नारायण के बारे में वो आत्मा सोचेगी, न उसके प्रतिबिंब स्वरूप जीव के बारे में सोचेगी। मन चित्त बुद्धि अहंकार शरीर और संसार से तो कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। लेकिन हमारी कमी क्या है, हम सुंदर सत वाणी भी पढ़ते हैं लेकिन चितवनी की गहराई में पूरी तरह से न डूब पाने के कारण हम अपना मन राज्य को पूरी तरह से नहीं दे पाए। एक चौपाई आती है, सब सुंदर साथ उसको गाते हैं, मैं अधीन करनी नहीं बांह गृह की लाज। देखने में तो बहुत सरल सी चौपाई लगती है लेकिन इसमें बहुत गहरा भाव है। बांह गृह की लाज, प्रीतम आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है इसकी लाज रखना, मैं तो कुछ नहीं, मैं अधीन करनी नहीं, मेरी कोई करनी नहीं है, मेरे पास न तप है न त्याग है न ज्ञान है न वैराग्य है न भक्ति है न समर्पण है, लेकिन मैंने खुद को स्वयं को सौंप दिया है, आपको सौंप दिया है, मेरा हाथ आपने पकड़ा है तो इस हाथ पकड़ने की लाज रखना। यह भावना यदि प्रबल हो जाती है तो हमारा अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे देखिए आप बीतक में आप सुनते हैं, मुकुंददास जी के बारे में भी आप सुनते हैं, लालदास जी के भी बारे में सुनते हैं। मुकुंददास जी में विद्या का अहंग है, जब विद्योदमन शास्त्रार्थ के लिए आते हैं तो चुपचाप खिसक भी जाते हैं। उदयपुर में श्री जी से प्रश्न करने लगते हैं कि श्री जी आपको मुसलमानों से उलझना नहीं चाहिए था, किससे कह रहे हैं, जिस तन के अंदर सर्व शक्तिमान अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान है उसको मुकुंददास जी सिखापन देने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने समर्पण की भाषा नहीं सीखी। इस तरह के वचन लालदास जी कभी नहीं कहते। जब श्री जी पन्ना जी पधारते हैं, 11 वर्ष की लीला प्रारंभ होती है और मुकुंददास जी प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये तो साक्षात अक्षरातीत है, पहले उन्होंने बुद्धि से सुना था, अब इन नयनों से देखते हैं तो अष्टपहर श्री जी को अक्षरातीत मान कर जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। जब श्री जी की अंतर्ध्यान लीला होती है, छत्रसाल जी से कुछ रिश्तों में खटास आती है, तब उन्होंने ही इस सेवा पूजा में इस पद की रचना की, जाऊँ कहाँ महाराज शरण तज, जाऊँ कहाँ महाराज अनतन ठौर नहीं कोई हमको, जाऊँ कहाँ श्रीराज, आपके चरणों के सिवा तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपके चरणों को छोड़ कर के कहाँ जाऊँ। व्यक्ति एक है, भावना अलग अलग बदल जाती है, इसलिए
यदि आपको खिलवत का आनंद लेना है, खिलवत किसको कहते हैं? जैसे हमारा ये मंडप है, इस मंडप में क्या हो रहा है? मैं तारतम वाणी की चर्चा कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। यहाँ कोई सब्जी मार्केट नहीं है, कपड़े का मार्केट नहीं है, सब शांत हैं, एक मैं ही बोल रहा हूँ, आप सब लोग मेरी बातों को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से ऐसा स्थान जिसमें आत्मा और परमात्मा में केवल प्रेम की लीला हो, उसको कहते हैं खिलवत। और उस खिलवत की राह में सबसे बड़ी जो बाधा है, मैं खुद ही की है, मैं हूँ। आप कितनी भी साधना कर लीजिए, कितनी भी चितवनी कर लीजिए, लेकिन शरीर की मैं, संसार की मैं, अंतःकरण की मैं, जीव की मैं, सबको हटाना ही पड़ेगा। और जब तक ये हटेगी नहीं, तब तक चितवनी का सुख मिल नहीं सकता। दर्शन कब होता है? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की प्राप्ति कब होती है? जब परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण हो जाए। अब बीतक में देखते हैं, एक तरफ दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा है? औरंगजेब, जिसके अंदर शाकुमार की आत्मा है। औरंगजेब देखता है कि काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर सिंध तक मेरा एक छत्र राज्य फैला हुआ है, मेरे जैसा कौन है? लाखों की सेना है, हीरे मोतियों का ढेर लगा हुआ है, बहुमूल्य तख्ते ताऊस पर बैठता है, और एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है, जो स्वयं को अभी स्थित करना चाहते हैं। उनके पास छोटी सी सेना है, कुछ 1000 की बस छोटी सी सेना है, छोटे छोटे स्थानों को जीत करके बोले एक कह सकते हैं कि एक जागीरदार जैसे हैं। और दूसरी तरफ स्वयं अक्षरातीत, जिनके साथ हजारों की संख्या में सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ रखा है। दोनों आत्माएं संसार के वैभव को देख रही हैं, दोनों राजघराने में, शाकुंडल भी और शाकुमार भी। सबकी आत्मा को जगाने के लिए स्वयं श्री जी ब्रह्मणियों के समूह को लेकर के पन्ना जी तक पधारते हैं और मार्ग में सभी भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करते हैं। जिनके चरण धूलि से ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, जिनके तन में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, और वही अक्षरातीत का तन क्या आहार करता है? भिक्षा में मिले हुए अन्न को। औरंगजेब क्या सोचेगा? औरंगजेब की अंतर्दृष्टि तो नहीं खुली है। औरंगजेब का अहंकार बोल रहा है कि मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। श्री जी देख रहे हैं कि ये माया के अहंकार को लेकर यह परमात्मा जिस जीव पर बैठी है, वो जीव पागल हो रहा है। तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुकम करत। हमें बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि जो कुछ होता है राज्य की इच्छा से होता है। सुंदर साथ के मन में यह प्रश्न होता है कि सब कुछ राज्य की इच्छा से ही होता है, तो बुरे कर्म भी तो राज्य की इच्छा से होते हैं, फिर हमें क्यों दोषी दिया जाता है? तो इसका समाधान यह है कि देखिए, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, अच्छे बुरे कर्म। जितना ज्ञान ग्रहण करता है, जितना आचरण करता है, उसके अनुसार ही उसको फल मिलेगा। परमात्मा कुटस्थ है, परमात्मा किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं देता, लेकिन शुभ कर्म करेंगे तो आपको उसका शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आपको दंड के रूप में अवश्य भुगतना पड़ेगा। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुकम करत। इस जागनी लीला में परम धाम की प्रत्येक ब्रह्मात्मा के साथ वही हो रहा है जैसा राज्य दिल में चाहते हैं। इसके बावजूद भी मैंने कहा, अहंकार का घेरा तोड़ना सबके लिए कठिन है। जैसे मैंने कहा, चिंतामणि जी जब तक उनकी आत्मा जागृत नहीं होती है, तब तक क्या सोचते हैं कि श्री जी अकेले में मेरी खंडी कर लेना, मेरे शिष्यों के सामने मेरी खंडी मत कीजिए, नहीं तो मेरे शिष्य क्या सोचेंगे? ये कौन बोल रहे हैं? चिंतामणि का अहं बोल रहा है। जब कीर्तन सुनते हैं, सुने रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाई, तब स्वयं चिंतामणि खड़े होकर कहते हैं कि धामधनी, आपके ज्ञान की लाठी से मैंने अपने काले कुत्ते को मार डाला है। ये काला कुत्ता क्या है? यही अहंकार है। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान दर्शा देता है कि अहंकार बुरी बुला है,
भक्ति से अहंकार की कलमा धीरे धीरे मिटती जाती है और हमारी चातन निर्मल सफेद होती जाती है। जब पूर्णतः अहंकार समाप्त हो जाता है तब विरह प्रेम टपकता है। विरह की रसधारा कब बहेगी? जब आप किसी के लिए अपना हृदय देंगे। जब अपना हृदय ही राज्य को नहीं दिए तो आपके हृदय में विरह कहां से आएगा? प्रेम तो विरह की अंतिम पराकाष्ठा है। प्रेम प्रेम कौन करेगा राज्य से? जो राज्य का होगा वही तो प्रेम करेगा। चितुनी में ही करना होता है। शरीर को भुलाइए, संसार को भुलाइए। इस बार जो सुंदर साथ सरसावा के होली के मौसम में 5 दिवसीय चितवनी शिविर में नहीं आ पाए वो यूट्यूब में चितवनी की गुणतम बातों को सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ उनकी आत्म जागृति में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। शरीर जो कर्म का साधन है, इस शरीर से क्या होता है? इसी शरीर से ही तो राज्य से मिलन होना है, क्योंकि चितवनी में ये शरीर ही सहायक बन रहा है। लेकिन इस शरीर का मोह एक बंधन बन जाता है। ये जीव आत्मा का श्रृंगार लेकर परात्म की भावना से राज्य से प्रेम करने लगता है। जैसे जैसे ये जीव राज्य से प्रेम करता है, स्वयं को मानता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, इसका अहंकार समाप्त होने लगता है। इसके काम क्रोध लोभ सभी समाप्त होने लगते हैं। वाणी क्या कहती है? विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग सो बिना विरह ना जले होइ नहि दिलपाक। बिना विरह ना जले, हमारे हृदय में जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकार हैं ये विरह की भट्टी में ही जल करके राख होते हैं। विरह की अवस्था क्या है? जिसमें हर पल केवल राज्य की ही याद आए, केवल राज्य को देखने की चाहत रह जाए, जी भर कर दीदार की इच्छा हो, आंखें खोलने की इच्छा न हो, संसार में किसी से बातें करने की इच्छा न हो, संसार की कोई चाहत न रह जाए, न राष्ट्रपति बनने की, न प्रधानमंत्री बनने की, और सारे ब्रह्मांडों का राज्य भी मिल जाए तो वो फीका लगने लगे। इसी को कहते हैं रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने दाए। हम तो छोटी छोटी मांगे कर बैठते हैं, राज्य हमको मिनिस्टर बना दीजिए, राज्य हमको ये पद दे दीजिए। हम नारियल चढ़ाते हैं, पाठ रखते हैं, राज्य से मेहर सागर का पाठ करके मांगते हैं कि राज्य हमारे बेटे की दुकान चला दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, हमें पोता दे दीजिए। ये क्या करते हैं? हम राज्य से प्रेम नहीं करते, एक तरह से सौदेबाजी करते हैं। ये मैं खुद ही का बंधन है। आपने राज्य को अपना हाथ पकड़ा दिया है तो आप विशुद्ध रूप से राज्य से केवल प्रेम कीजिए। और प्रेम में मांगा नहीं जाता है, अपना हृदय लुटाया जाता है। जब आपने अपना हृदय दे दिया तो फिर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरी बातें कुछ समाज से अलग होती हैं, क्योंकि आमतौर पर सुंदर साथ गुमर जी भी जाएगा तो नारियल चढ़ा देगा, कहीं भी मंदिर में जाएगा तो मांगेगा कि राज्य ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। जीवन कैसे जिया जाता है? तटस्थ होकर के आप निश्चल हृदय से, पवित्र हृदय से राज्य से प्रेम करते रहिए। रामकृष्ण परमहंस का कई बार मैंने चर्चा में दृष्टांत सुनाया है कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था और सब उनके भक्तजन कहते थे कि गुरुदेव एक बार तो आप माँ से कह दीजिए कि आपका कैंसर ठीक हो जाए तो हो जाएगा, आप क्यों नहीं कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो माँ को तो सब दिखता ही है, माँ कोई अंधी थोड़े है। माँ की इच्छा होगी तो ठीक कर देगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगी। मैं इसके लिए माँ से कहने क्यों जाऊं? तो आप सोचिए, रामकृष्ण परमहंस कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं थे, ईश्वरी सृष्टि नहीं थे, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनके समर्पण को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। आज हम सुंदर साथ भाई जुराज मंदिर में चुनरी कोई चढ़ाता है, कोई चूड़ियाँ चढ़ाता है, कोई साड़ियाँ चढ़ाता है, किसके लिए? लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। खिलवत क्या है? कहती है खिलवत की पहली शर्त है यदि आप खिलवत की सुगंध लेने चाहते हैं। खिलवत की सुगंध लेने का तात्पर्य क्या है? आप चाहते हैं कि हम राज्य के प्रेम में इतने डूब जाएं कि हमारे और राज्य के बीच में संसार न आए, तो खिलवत की यह शर्त होती है कि अपना अहम छोड़ दो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं। इन मैं में डूबिया सब कोई या को पार न पावे को,
याको पार्सो पावी जाको मुतलक बख्शीश हो। मुतलक बख्शीश सबसे बड़ी कृपा, राज्य की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि हमारे अंदर किसी भी तरह की मैं ना रह जाए, न शरीर की मैं, न संसार की मैं, न जीव की मैं, न अंतकरण की मैं, कोई मैं नहीं। चाहे राज्य हमें लालदास जी की तरह बना दे, छत्रसाल जी जैसा बना दे, भीम भाई जैसा बना दे, कुछ भी बड़ी से बड़ी शोभा क्यों ना दे, लेकिन हमारे अंदर किसी तरह की अहंग ना रह जाए तो परिणाम क्या होगा, हमारी आत्मा परम धाम के प्रेम में डूब जाएगी। जब आया प्रेम सुहागी तो मोह जल लहरा भागी। जब परम धाम का अखंड प्रेम आता है तो क्या होता है, माया की लहर समाप्त हो जाती है। उसी तरह से राज्य की वाणी कहती है, मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं। दुनी की मैं कब मरेगी, हक की मैं से। जब आप सोचेंगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, परम धाम की आत्मा कैसी है, राज्य की स्वरूपा है, तो संसार की मैं आपको प्रभावित नहीं करेगी। सौंदर्य का अभिमान किसको होगा, संसार के लोगों को। धन का अभिमान किसको होगा, संसार के लोगों को। विद्या का अहंकार किसको हो सकता है, केवल संसार के लोगों को। लेकिन जिसने स्वयं को राज्य के प्रेम में डुबो लिया है, वो संसार का अहंकार क्यों पालेगा। जैसे एक समुद्र के किनारे आप बैठ जाइए, आप बड़ोदरा से आगे खंभात से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो समुद्र देखने को आपको मिल जाएगा। मुंबई जाएंगे वहां भी समुद्र मिलेगा। आप सागर के किनारे खड़े होकर के देखिए, लहरें आती हैं और पुनः अदृश्य हो जाती हैं। लहरें कहाँ से निकल रही हैं, समुद्र का जल ही लहर बना हुआ है। जब समुद्र का जल ऊपर उछलता है तो उसको लहर का कहा जाता है, और लहर का जल पुनः समुद्र में मिल जाता है तो वो समुद्र हो जाता है। लहर और समुद्र में कोई अंतर नहीं है, क्रीड़ा रूप में दो हैं। उसी तरह से आप जिस दिन समझ लेंगे कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं संसार ही नहीं हूँ, मैं जीव भाव में भी नहीं हूँ, मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ, जब ज्ञान दृश्य भी ये पता चल जाएगा तो आप क्या हैं, आत्मभाव में विचरण करने लगेंगे। जब चित्वनी में आप परात्म भाव में डूब जाएंगे, आपके शरीर को आभास नहीं रहेगा, तो संसार की जितनी उपलब्धियां आपने पाई हैं अपने आप हट जाएंगी और इसी में राज्य से विलन होगा। जैसे जब आपको शरीर का आभास होगा तब तो शरीर का भाव रहेगा। मैं इसलिए सुंदर साथ से कहता हूं कि पहले जब भी चितनी में बैठें, बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करें। जब बिना हिले डुले बैठेंगे तो परिणाम यह होगा कि आपका रक्त संचार भी धीमा होने लगेगा, आपका मन जो भाग रहा होता है वो भागना भी बंद कर देगा, और जब आपका आहार सात्विक रहा करेगा, प्रतिदिन नियमित रूप से आप अभ्यास करते रहेंगे, तो आपका मन राज्य से इतना बंध जाएगा कि उसके बिना आपको रहा ही नहीं जाएगा, और शरीर और संसार का भाव हटते ही जीव भाव भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। आप प्रतिदिन परात्म का श्रृंगार लेकर स्वयं को परम धाम की ब्रह्मात्मा मानकर राज्य के दीदार के लिए चितवनी में जब बैठा करेंगे तो यह अभ्यास इतना परिपक्व हो जाएगा कि आप चितवनी में बैठते ही केवल परात्म के भावों में डूब जाएंगे, और उन क्षणों में आपके हृदय में जो प्रेम की सत्ता प्रवाहित होगी, राज्य का अवश्य दीदार होगा, और खिलवत की अनुभूति आपको तभी होगी कि आपकी आत्मा का धाम हृदय ही परम धाम बन जाएगा, और उस धाम हृदय को ही कहेंगे खिलवत। जाहिरी रूप से कोई कह सकता है कि मूल मिलावा खिलवत है, कोई पांचवी भूमिका को खिलवत कहेगा, लेकिन बातिनी रूप से खिलवत कौन है, आशिक का दिल ही मासूक की खिलवत होती है। आशिक किसके दिल में रहता है, आशिक अपने दिल में मासूक को बसाए रहता है, मासूक के दिल में आशिक रहता है, आशिक के दिल में मासूक रहता है। राज्य के दिल में कौन है, श्यामा जी और सखियां। श्यामा जी और सखियों के दिल में कौन है, राज्य। हक हम में, हम हक में, और हक बिना सब ख्वाब। जब आपके दिल में केवल राज्य रह जाए, आपका शरीर भी तो माया का बना है, इस शरीर की उपलब्धि क्यों लेते हैं कि मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ठिगना हूँ, बूढ़ा हूँ, ये सब बातें भुला दीजिए।
आपका जैसे एक लहर किससे प्रकट होती है, सागर के जल से, डूबने के बाद वो लहर नहीं रह जाती। इसलिए आप अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए कि मैं कुछ हूँ, आप कुछ हो ही नहीं। लीला रूप में आप केवल ब्रह्मांगना है, किंतु ब्रह्मात्मा का अस्तित्व किस पर है, राज्य पर है। न अर्श जिमिय दूसरा कोई और धोरा बिना, ये लिख्या वेद कते में कोई ना ही खुदा बिन खाऊं। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसलिए यह भी भुला दीजिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। मार्फत में पहुँचने के बाद आपको ये लगेगा कि इस परम धाम में तो राज्य के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। राज्य ही श्यामा जी हैं, राज्य ही सखियाँ हैं, राज्य ही खुशहालियाँ हैं, राज्य ही 25 पक्ष हैं और पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ राज्य है। हौज को सरमानिक पहाड़ पश्चिम की चौगान सब राज्य का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। जब हम प्रेम में डूब जाएंगे तो यही अंतरात्मा पुकारेगी, एक राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जब तक वह अवस्था प्राप्त नहीं होती है, देखिए सुंदर साथ में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, सबका अहंकार टकराता है। यही अहंकार हमको धनी के चरणों से दूर करता है। जैसे जैसे हम राज्य के प्रेम में डूबते जाएंगे, हमारा अहंकार समाप्त होता जाएगा और आध्यात्मिक आनंद में हम विभोर होते जाएंगे। इसी को खिलवत कहते हैं। और उस खिलवत में क्या है, परम धाम के 25 पक्ष हैं। उस खिलवत में क्या है, युगल स्वरूप है, सब सुंदर साथ है। उसकी अनुभूति यदि करनी है तो संसार की मय को छोड़ना पड़ेगा, वह छूटेगी हक की मय से। ज्ञान दृश्य भी, पहले ज्ञान दृश्य चाहिए, उसके बाद प्रेम की दृष्टि चाहिए। प्रेम की दृष्टि के लिए आपको चितुनी में डूबना पड़ेगा। परात्म की भावना में भावित होते होते डूबते डूबते युगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में बसाते बसाते वह अवस्था अनायासी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए एक बात महामती जी की आत्मा कह रही है कि मैं दुनिया की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं, अब ए मैं कैसे मरे जो आई है खसम से। दोनों मैं, संसार की मैं को तो परात्म की मैं से, परात्म क्या है, राज्य का तन है। जब हम सोचते हैं कि मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ तो संसार की मोह माया से उत्पन्न होने वाली जितनी मैं खुदी है, रूप का, विद्या का, पद प्रतिष्ठा का, संसार में जो भी उपलब्धियाँ हमने प्राप्त कर रखी हैं, जिसके लिए संसार लड़ता है उसको छोड़ दिया जाता है। दो व्यक्तियों में लड़ाई क्या होती है जानते हैं ना, उत्तर भारत में एक बिरादरी होती है जाट बिरादरी, लड़ने में बहुत आगे रहती है। झगड़े कहाँ होते हैं, जब मनुष्य को अपनी जाति का, अपने घर का, अपने कुल का, अपने पद का, अपने धन का कोई ना कोई अहंकार खड़ा होता है और अहंकार के प्रदर्शन में सारा संसार चलता है। वाणी में एक चौपाई थी, आती है, ये मिलके चले महीपति जो अंबर पकड़ सी। जब मनुष्य को अहंकार होता है तो क्या सोचता है कि मैं हाथों से आकाश को पकड़ लेगा, जो मैं कुछ है ही नहीं। संसार में चंद्रमा का प्रकाश फैलता है, चंद्रमा क्या सोचता है कि मैं प्रकाश फैलाता हूँ, लेकिन चंद्रमा को प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। सूर्य को प्रकाश देने वाला कौन है, परमात्मा। चंद्रमा में, ताराओं में जो प्रकाश है किसका दिया हुआ है, परमात्मा का। आप धनवान हो गए, आप विद्वान बन गए, आप कलाकार बन गए, आप राष्ट्रपति बन गए, लेकिन किसकी कृपा से बने हैं, उसकी कृपा से बने हैं। इसलिए उसको वरीयता दीजिए, उसकी महिमा गाइए, अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए। और जो ऐसा कर लेता है वो प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। तभी तो कहा, इन जिम्मी में साथ जी जिनों करे सिरदारी, सो पुकार पुकार पछता चले कहियो जीत के बाजी हारे। चाहे लालदास जी हों, भीम भाई हों, मुकुंद दास जी हों, कोई भी ब्रह्मात्मा जागने का सुख तभी ले पाएगी जब सब कुछ राज्य को सौंप देगी, और यही नहीं हो पाता। अब देखिए अष्टभार की बितक में पढ़िए, देवकरण जी अपने हाथ से बंगला जी दरबार में झाड़ू लगाते हैं। मैं सरसावा में देखता हूँ, सुंदर साथ पहले दिन सेवा तो लिखवा देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सबके सामने मैं झाड़ू लगाऊं कितनी बेइज्जती होगी। नाम तो लिखवा देते हैं लेकिन जब सेवा करने की बात होती है तो खिसक जाते हैं।
जो महान होता है वही सेवा करेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने सबके चरण धोने की सेवा खुद ली, खुद मांग करके लिया कि सबके पैर में धोऊंगा और सबके जूठी पतले उठाऊंगा। जो यज्ञ करने वाले जितने याजिक ब्राह्मण रहेंगे उनकी जूठी पतले उठाने की सेवा, चरण धोने की सेवा योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं लेते हैं जिनकी अग्र पूजा होती है। दुर्योधन को यदि कह दिया जाता कि तुमको सबके चरण धोने हैं तो अहंकार का वो स्वरूप था, नाराज होकर के चला जाता, ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता था, दुशासन भी नहीं कर सकता था, शकुनी तो बिल्कुल नहीं करता था, और हो सकता था कि कर्ण भी मना कर देता कि मैं सबके पैर धोने के लिए थोड़े हूँ। लेकिन सबके पैर कौन धोएगा, जो जितना महान होगा उतना ही विनम्र होगा। इसलिए यदि हमें अध्यात्म के शिखर पर चढ़ना है तो महामती जी की आत्मा कह रही कि अब ये मैं कैसे, मेरे जो आई है खसम से हक की मैं को कैसे मारना है, हक की मैं को मारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, प्रेम में स्वयं को डुबो दीजिए, जैसे समुद्र के जल की सतह से ऊपर अटखेलियां करने वाली लहर जब पुनः समुद्र में मिलती है तो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। आप परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के प्रेम में डूबिए, राज्य का प्रेम ही हक की मय को भी समाप्त कर देगा और आशिक और मासूक दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। इसी को कहते हैं मार्फत की अवस्था, जिसमें केवल प्रीतम रह जाता है, और यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबको इसी की तरफ प्रयास करना चाहिए। अखिलवत की वाणी हमें मैं खुद ही छोड़कर राज्य के प्रेम की तरह कदम बढ़ाने के लिए बार बार प्रेरित कर रही है। जागने के ब्रह्मांड में जो सुंदर साथ में जो भी मनमुटाव की बातें दिखती हैं, इसी का परिणाम है, केवल अहं का परिणाम है। इस सृष्टि में जो भी ब्रह्मा विष्णु शिव भी होते हैं वो भी मोह अहंकार के बंधन से निकल नहीं पाते हैं। राज्य ने हमें परमधाम की वाणी दी है, तारतम ज्ञान का प्रकाश दिया है, परमधाम के प्रेम का चितवनी का मार्ग हमें दिया है, और इसका अनुसूलन कर हम संसार के सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं, राज्य के प्रेम में डुबकी लगाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसे आज दिन तक शिष्ट के प्रारंभ से लेकर आज तक कोई प्राप्त कर नहीं पाया था। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ खिलवत के इस प्रसंग को गहराई से समझेंगे और उसमें डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।